जय राम जी की। दोस्तों भैयों की मान की शुरुआत हो चुकी है ढोल ढमाके के साथ में, और ये हमारा पूरा परिवार खरमाटी लेने जा रहा है क्योंकि हमने गंगा माता का पूजन रखा है। तो गंगा माता को बाने बिठाने के लिए खरमाटी लेने जाना पड़ता है, गंगा माता की शादी होती है पूरे धूमधाम से। और ये हम ढोल ढमाके उधर गए और हम बजाने लगे टेप और धमाधम नाचने लगे। अभी ऋषि का भी डांस आएगा, ये देखो ऋषि और हम दोनों डांस कर रहे हैं। पूरा शादी जैसा माहौल है क्योंकि गंगा माता की शादी करवा रहे हैं हम लोग। तो घर को भी कितना अच्छा सजाया है, देखो आप लोग देख सकते हो। और इधर सरिता ऐसी मेहंदी लगा रही है जैसे उसी की शादी हो, मुस्कान और खुशबू दोनों लगा रही है मेहंदी। अब ये देखो सुबह का माहौल है, टेंट टेंट लग चुका है, अब गंगा माता की तैयारी चलेगी। अब हम आ गए भोजन व्यवस्था देखने, सारे बर्तन निकला लिए क्योंकि यहाँ पर बनेगा भोजन। आप सब आओगे तो हम आपको खिलाएंगे, इसलिए ये किराना का सामान आ गया, सारा किराना उतार रहे हैं। हरिओम और अन्नू, उसके बाद में सोनू ठाकुर। अब शाम के भोजन की तैयारी चालू हो गई क्योंकि गांव में शाम को भी हम भोजन का बोलेंगे, पूरे गांव को भोजन का निमंत्रण देंगे। और ये गुलाब जामुन की तैयारी क्योंकि कल गुलाब जामुन परोसे जाएंगे, तो कल के लिए तैयार हो रहे हैं गुलाब जामुन। और ये हमारे घर से सुरेंद्र भैया के घर पे जा रहे हैं सब लोग माता भैरू पूजने, हमारे यहाँ पे माता भैरू पूजते हैं, तो सभी लोग जा रहे हैं ढोल ढमाके के साथ में। हमारे गांव का नियम है कि जिसके यहाँ भी प्रोग्राम होता है तो शाम को जो भोजन बनाने की व्यवस्था रहती है, शाम को भी सभी गांव वालों को भोजन कराते हैं, तो ये भोजन करा रहे हैं। अब ये नाच गाना चालू हो गया हमारा, ये हमारा पूरा परिवार बैठ के देख रहा है कि कौन डांस कर रहा कौन नहीं कर रहा। सब ये घर के सामने बैठ गए हैं, कुछ लोग नाच के थक चुके हैं और कुछ लोग नाचने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी सबको मासी नाच रही है गाने पे, ये हमारी भगवती दीदी और सत्तू दीदी दोनों साथ में नाच रही है, और सरिता भी साथ में नाच रही मेरे। फिर सुबह सुबह पंडित जी आ गए और गंगा माता की पूजा की तैयारी करने लगे, मंडल भरने लग गए हैं। अब हम आ गए हैं पूजा पाठ करने के लिए, मंडल तैयार हो चुका है, पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि गंगा माता के यहाँ जाने से पहले पूरी पूजा पाठ होती है, फिर गंगा माता भर के लाते हैं, उसके बाद में फिर आरती होती है। ये हम दोनों की शादी फिर से करा रहे हैं पंडित जी, सरिता ने हार डाल दिया, अब मैं भी हार डालूंगा। ये फोटो वोटो भी खिंचवाने पड़ते हैं, ये मैंने हार डाल दिया, यानी पूरी फील ऐसी हो रही जैसे हमारी शादी हो रही। अब ये हम लोग निकल चुके हैं गंगा माता पूजने के लिए, हमारे यहाँ पे पास में गांव में ही कुआ है। ये देखो भैया को देखो कैसा अच्छा लग रहा, जैसे छोटा सा दूल्हा उसकी शादी हो, भैया की शादी धूमधाम से करेंगे। और ये हम निकल चुके गंगा माता के पूजा पाठ करने के लिए बैंड बाजे के साथ में। भैयू की मान और गंगा माता के साथ साथ मम्मी को ग्यारस का भी उद्यापन करना था, ग्यारस भी उजवनी थी, तो ग्यारस की भी पूजा हो जाएगी सब साथ में। ये देखो हमारा पूरा परिवार गंगा माता के लिए जा रहे हैं।
और इधर पोहे जलेबी की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में, गंगा माता ले जाने के बाद में पोहे जलेबी खा के और नाश्ता करेंगे, पूरी भी बन गई है। और नाश्ता करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में फिर आएंगे सब लोग भोजन करने के लिए। हम पहुंच चुके हैं चौराहे पर, पीपल के पास। यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। और गंगा माता के तीन लोटे थे जो मम्मी तीरथ गई थी तो वहाँ से लाई थी। चारों धाम हो चुके मम्मी के, चारों धाम करवा दिए मैंने आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, और मेरी माँ के आशीर्वाद से चारों धाम हो चुके हैं। और आप भी आपके माँ बाप को चारों धाम की यात्रा जरूर कराना, क्योंकि बहुत पुण्य मिलता है। फिर यहाँ पर गंगा जल के लोटे भरे गए, उसके बाद में सभी को गंगा जल के लोटे दे दिए, जो जो कुंवारी कन्या थी उनको भी दिए, और सभी फिर वहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए। फिर गंगा माता का हवन किया हमने, मम्मी ने भी ग्यारस माता का हवन किया। आरती हुई, फिर उसके बाद सरिता के पिहर के जो लोग आए थे उन्होंने तिलक करवाया। ये ज्ञान सिंह मजाक मजाक में 1 रुपये दे रहे हैं, बाद में उन्होंने 500 रुपये दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। और ये पूरा मेरा ससुराल पक्ष खड़े हैं, ससुराल पक्ष के लोग आए हैं, 5 गाड़ी भर के आए थे, जिन जिन को बुलाया सभी आए, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे मौसिया जी हंस रहे हैं, ये मेरे साडू भाई है सोनू रघुवंशी आमला वाले। पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे। ये हमारे लक्की भाई आ गए हैं और तुषार भाई आ चुके हैं। ये हमारे जोनी नाकुम, राहुल भैया और विनोद पवार, लक्की भी बैठे हैं, और हमारे गबरू महाराज भी बैठे हैं, शुभम भैया, शुभम भगत, बहुत अच्छे मित्र हैं हम सभी लोग। अब देखे जाओ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आएंगे, विशाल है, उसके बाद में एमपी टूर बाय विकास की पूरी टीम आ चुकी है, हमारे राजू सेठ, गोपाल दा, पूरी टीम, ये पंडित जी नलखेड़ा से आए थे, ये सबके स्वागत के लिए माँ बगलामुखी के आशीर्वाद रूपी चुनरी लेके आए थे। उन्होंने सभी कलाकारों को चुनरी भेंट करी और सभी बड़े प्रेम से मिले एक दूसरे से। बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक बार बुलाने पर इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सब मेरे घर पर आए, और जिनको मैं नहीं बुला सका मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में ये काम हुआ है। फिर हम लोगों ने सब ने फ़ोटो वोटो निकलवाए, और राजू भैया से भी सब ने मुलाकात करी। ये हमारे मन भैया है, ये उज्जैन के ही हैं, ये चांदनी भगत भी है हमारे साथ में, उसके बाद में कनक है, प्रिया है, कपिल तबाही है, सभी दोस्त, और हमारे दीपक बेमिसाल खाती आए हुए हैं। फोटोग्राफर
और हमारा मित्र बिट्टू बदमाश और विशाल भी आ गया है। सबसे मिलने के बाद में सबने प्रेम से भोजन किया। भोजन में बना था सब्जी, पूरी, भजिए, गुलाब जामुन और मावे की मिठाई। और ये हमारे इंदरदा है, ये भी बड़ी खतरनाक वीडियो बनाते थे, टिकटॉक पर बहुत वायरल थे और अब फिर से शुरुआत करी है, तो इनका भी सपोर्ट करें। और ये हमारे आशुतोष भैया हमारे फेसबुक मैनेजर हैं, ये हमारे प्रिया दीदी के अंकित पटेल है, प्रिया के हस्बैंड, ये हमारे गोपाल दा, और ये तनिष सेठ, ये जितेंद्र भैया, ये विशाल भैया, ये हमारे मनोज भैया, ये हमारे अश्विन भैया, सभी मित्र आए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हम किसी को इनवाइट करते हैं और कोई आ जाता है हमारे यहाँ किसी भी प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये अजय सरपंच है हमारा, फिर मैंने भी भोजन किया दिलीप भैया के साथ में, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पूजा पाठ करनी थी, तो मैंने 2 बजे भोजन किया, बिल्कुल पानी ही पानी पिया, बाकी और कुछ भोजन नहीं खाया, क्योंकि पूजा पाठ में उपवास रहना पड़ता है। फिर हमारे वंशोदा के हरिओम राठौर भैया ने बोला हमारे साथ एक वीडियो बना लो, तो फिर उनके साथ एक वीडियो शूट करी राजू सेठ, गोपाल दा और मैंने। फिर हमारे गांव के मित्रों ने सबके लिए आइसक्रीम मंगाई, जगदीश भैया ने हमने सबको आइसक्रीम दी, आइसक्रीम खाई सबने प्रेम से, क्योंकि गर्मी पड़ रही थी तो आइसक्रीम से थोड़ी ठंडक मिल जाती। गोपाल दा को देखो, हाँ बड़े चाव से आइसक्रीम खा रहे हो गोपाल दा, ओ गोपाल दा अभी भी देख लो यार, ये राजू भैया और ये कनक और सभी लोग आइसक्रीम कर रहे हैं, ये हमारे रोहित भाई सबको आइसक्रीम बांट रहे हैं। फिर हमारे बीच पधार चुके हैं कॉमेडी बाबा 09, ऋषि भाई, लक्की भाई, सभी लोग ये कानड़ से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, 5 घंटे का ट्रेवल करके आए हैं। देखो इसको बोलते हैं प्रेम, प्रेम की वजह से सब जगह जाना पड़ता, आप लोग भी जाया करो। फिर सब लोग ने एक साथ में फ़ोटो खिंचवाए, हमारे गांव के जगदीश भैया और सब ने, ये कैलाश पटेल, जगदीश भैया, रोहित, महेंद्र भाई। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्यारी से कमेंट जरूर करना।